और रोटेट होते हुए यहाँ पे अटैक करना। इसमें थोड़ा सा ये शोल्डर हल्का सा आगे जाएगा, पूरा ऐसे नहीं जाएगा, ठीक हल्का सा आगे जाएगा, और ये हमेशा आपका जो है गार्ड यहीं पे रहेगा। सिंपल सा है, ये है सिंपल देन बैक, आगे देन बैक, ये हाथ आपका जो है नहीं हटेगा, ठीक ये यहीं पर हमेशा साथ में रहेगा ये। अब इसमें आपको जो है पैर का मूवमेंट कैसे करना है, पैर का मूवमेंट में आपको जो है थोड़ा सा ये हल्का सा जैसे पहले स्टार्टिंग ऐसे है, अब यहाँ से आपको जब पंच करोगे उस टाइम पे इसको हल्का सा टोज में लेकर आना, टोज एक इसलिए आपको जो पावर इंक्रीज होगा। वन ऐसे, टू, थ्री, इस तरीके से आपको जो है पावर इंक्रीज होगा। और इसको आप जो है एग्जैक्ट परफेक्ट कैसे बना सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैब के लिए, वैसे आपको सेम इसका क्रॉस के लिए कि आपको एकदम अंदर से अटैक करना है सीधा ये, क्योंकि अगर आप सीधा अटैक नहीं करोगे तो वो आपका बाहर से अगर ऐसे अटैक हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा, उसके लॉक यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको जो है हमेशा सीधा अटैक करना है, जैब हो या फिर क्रॉस हो, ये आपको एग्जैक्ट अंदर से अटैक करना है, ठीक। अब मैं बताता हूँ इसको ग्लव्स में कि कैसे ग्लव्स पहन के अटैक कर सकते हो, उसमें और भी अच्छे से आप जो है समझ पाओगे कि कैसे करना है। तो बिना टाइम इसके चलते आगे, भी सेम वही रहेगा, आपको जो टारगेट है सीधा इस तरीके से अटैक होना चाहिए, ऐसे नहीं सीधा इस तरीके से, ठीक। जैसे कि आपका ये मान लो पैडिंग है या फिर आपके पास अगर किक बैग है तो आपको सीधा अटैक करना है, अदर हैंड यहां पे शोल्डर हल्का सा आगे और ये सेम आपको लॉकिंग, ये है वन टू थ्री, और पीछे वाला पैर का भी हल्का सा पंजा आप रहेगा जिससे कि आपको जो है पावर इंक्रीज हो। तो मूवमेंट फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से। और इसमें आप जो जैब क्रॉस अगर आपको आता है तो जैब क्रॉस भी हम कर सकते हैं, तो उसमें भी सेम यह वन टू, ठीक वन टू वन टू वन टू, फिर जैब जैब क्रॉस भी कर सकते हैं इसी तरीके से प्रैक्टिस, जैब जैब क्रॉस, इस तरीके से आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो। हमेशा आपको जो 2 से 3 मिनट अपने हाथ पे बल्कि पंचेस पे देना है, 2 से 3 मिनट जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो पावर भी बनेगा। हाँ थोड़ा दिन कुछ दिन आपको जो है शोल्डर पे पेन रहेगा, बॉडी हाथ दुखेगा, क्योंकि 2-3 मिनट कंटिन्यू करने पे हाथ थक जाता है और दुखने लगता है, पर रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप जो है आपका हाथ भी जो है मजबूत हो जाएगा और पावर भी बनेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम निकालिए, एक दिन 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे करके टाइम इंक्रीज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।